अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज बात करेंगे हम कामयाबी और बदबू। दो चीज़ें ऐसी हैं इंसान की जो उसकी अपनी हों तो अच्छी लगती हैं, किसी दूसरे की हों तो अच्छी नहीं लगती। ये इंसानी फितरत है। एक है कामयाबी, अगर मेरी कामयाबी अपनी है तो मुझे बहुत अच्छी लगेगी, कोई दूसरा कामयाब हो रहा है तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और दूसरा है बदबू, बदबू मेरी अपनी होगी तो मुझे बहुत अच्छी लगेगी, किसी दूसरे की होगी तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। और मैं शर्तन कह सकता हूँ कि आप लोगों में से बहुत ज़्यादा को इस चीज़ का नहीं पता होगा, या आप लोगों ने यही बात किसी दूसरे तरीके से सुनी। जिनको पता हो वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो इंसान को दो चीज़ें, बदबू और कामयाबी, सिर्फ अपनी अच्छी लगती है, किसी दूसरे की अच्छी नहीं लगती। मैं ये क्यों बात कर रहा हूँ, एक्चुअली बहुत ज़्यादा लोग जो है मुझे यूट्यूब के ऊपर तंग कर रहे हैं कि ये बंदा जो है ना किसी तरीके से छोड़ के चला जाए। मेरी रिक्वेस्ट है उन सबसे कि भाई मुझे माफ़ फरमा दें, मैं किसी किस्म का किसी के साथ मेरा मुकाबला नहीं है। अगर आप बकरी का जिगर लेके चीते के जैसा दौड़ेंगे तो नहीं दौड़ सकेंगे। यानी बकरी का जिगर हो आपके पास और चीते के जैसे आप दौड़ना चाहेंगे तो नहीं दौड़ सकेंगे। आपके पास वैसी ही कैपेसिटी होनी चाहिए। मेरी कामयाबी लोगों से शायद बर्दाश्त नहीं हो रही, और पे दर पे जो है ना वो किसी ने मुझे पर्सनली भी लोग बता रहे, कुछ मशवरे दे रहे, और यूट्यूब के ऊपर भी और दीगर प्लेटफॉर्म पर भी, जो जिस तरह भी जिसकी जिस तरह भी एक्सेस है मेरे तक। कुछ लोगों ने नंबर्स बहुत फोर्स करके ले लिया, बहुत ज़्यादा लोगों ने तो पॉजिटिव यूज़ किया। आई एम थैंकफुल टू एवरीवन, उन तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मुझसे मेरा मोबाइल नंबर लिया, व्हाट्सएप पे ऊपर मेरे से कम्युनिकेशन की, और बहुत नाइसली। लेकिन उनमें से बीच में कुछ शैतान लोग भी निकले जिन लोगों ने मुझे तंग किया। खैर, अल्लाह माफ़ फरमाए, मुझे उनसे कोई गिला नहीं है। अच्छे बुरे लोग ज़िंदगी में होते हैं, लेकिन मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई ये काम नहीं करें। आप मुझे थ्रेट करेंगे, मेरी सेहत के ऊपर कोई असर नहीं है। ना तो आपने मेरा रिस्क छीन सकते हैं, ना ही आप मेरी ज़िंदगी छीन सकते हैं। हर चीज़ अल्लाह ताला के हाथ में। इज्जत, जिल्लत, आपका रिस्क, आपको जब जितना कहाँ मिलना है, कैसे मिलना है, वो सब अल्लाह ताला ने तय कर दिया, वैसे ही मिलना है। हम छीन नहीं सकते कि भाई इतना रिस्क मेरा है, मुझे अभी दे दो। जब जहाँ जैसे लिखा है वैसे ही मिलना है, उतनी मकदार में ही मिलना है। और कामयाबी जो है ये भी ऐसे ही है, आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी कामयाबी आपको मिलेगी। जितना आप, यानी वो कहते हैं ना कि जितनी शक्कर डालेंगे उतना मीठा होगा। सो एक दफ़ा फिर मैं बता दूं कि मेरा किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है। प्लीज़ भाई मुझे माफ़ फरमा दें। आप कहते हैं तो मैं आपके दरवाज़े पे आके जो है ना रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, आटा भी ले आऊँगा साथ, चार बंदे भी ले आऊँगा कि भाई हमें छोड़ दें, कोई और घर ढूंढ लें। यानी इतनी मजबूरी क्या है कि आप बिला वजह किसी दूसरे इंसान को तंग करना शुरू कर दें। पहले हालात क्या कम है, क्या आपकी अपनी परेशानियां कम है आपको तंग करने के लिए, जो आप उठ के दूसरों को तंग करते हैं। कभी भी किसी भी इंसान को जो है ना तो कमतर समझें, ना ही उसको ये समझें कि ये मेरे से आगे क्यों निकल गया। यानी आपका लेवल जो है, आप अपना लेवल गिराते हो, दूसरे को साबित कर रहे होते हो आप। जब आप समझते हो कि फलां बंदा कामयाब हो गया तो आप खुद को कमतर समझ रहे हो। भाई अपना जो मोरल है वो चेंज करो, अपना मोटिव चेंज करो। आपका मिशन क्या है, आपका प्लान्स क्या हैं, आपके मंसूबे क्या हैं, जो भी है आप उनको बेहतर बनाओ ताकि आप कामयाब हो सको। सो इंशाल्लाह। खैर, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, बात वही थी कामयाबी और बदबू। इंसान को अपनी हूँ तो अच्छी लगती हैं, किसी दूसरे की अच्छी नहीं लगती। जो एग्री हो इस बात के ऊपर वो ज़रूर कमेंट में बताए। और उन तमाम लोगों का शुक्रिया जिन लोगों ने हमें सपोर्ट की और जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह खैर, इसी तरह हम आंदा भी जो है वो वीडियोस बनाते रहेंगे और आप सबके साथ शेयर करते रहेंगे। और उम्मीद है कि हम पहले से अच्छी कंटेंट के साथ वीडियो बनाएंगे। मैं हमेशा अपने जितने भी व्यूवर्स हैं उनसे यही कहता हूँ, आपको बात बुरी लगी हो, सॉरी फॉर देट, आप ज़रूर बताएं ताकि मैं उसको कवर कर सकूं, मैं उसमें बेहतरी ला सकूं। फिर बात याद आ गई, एक अगर कोई बुराई करता है तो आप उसको छोड़ना नहीं,
यानी अगर कोई बुरा बंदा है जिसको आप कहते हो ये यार ये बुरा है, खली वली करो, इसको साइड पे करो, इसे नहीं मिलना, इससे ताल्लुक नहीं रखना, भाई देखो जब आप किसी बुरे के साथ ताल्लुक जो है वो नहीं रखेंगे, उसको सुधारेगा कौन? आप बुराई को ख़त्म करें ना कि बुरों को ख़त्म करना शुरू कर दें। आप एक बंदे के अंदर कोई बुराई है तो आप उसको छोड़ देंगे, या ये काम करता है मुझे पसंद नहीं है, या जो वाकई ही जो है ना सभी के लिए अच्छा अमल नहीं है ये काम जो करता है, तो उसका जो है ना वो साथ छोड़ दें। भाई बुरे का साथ नहीं छोड़ना, आपने बुराई उसमें से ख़त्म करनी है, आपने उसके साथ रहना है, उसकी बुराई ख़त्म करनी है। तो इसी तरह मैं आप सब लोगों से फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो, किसी चीज़ की कमी हो मेरी वीडियोस के अंदर, तो प्लीज़ डू कमेंट। आप मुझे बता सकते हैं, जो मुझे पर्सनली जानते हैं मुझे वैसे भी बोल सकते हैं कि भाई आपकी वीडियो में ये कमी है, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। आई विल डू द सेम सिंस बिगनिंग, शुरू से लोगों ने, बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे गाइड किया, मैंने चीज़ों को उसके मुताबिक करना शुरू कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह उसी से मुझे कामयाबी मिली है। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे ख्वाब आते थे कि मैं ये करूं वो कर दूं ऐसा हो जाएगा, नहीं। बहुत ज़्यादा लोग जो पॉइंट आउट करते हैं कि भाई आपने ये गलती की है, ये नहीं करो, आई सॉल्व दैट, मैंने दोबारा वो गलती नहीं की। और गलती से जो नहीं सीखता ही इज़ द बिगेस्ट लूज़र। इफ़ यू आर डूइंग मिस्टेक एंड यू आर नॉट लर्निंग, यू आर लूज़र। सो इंशाल्लाह, खैर वीडियो काफ़ी लंबी होगी, अपना ख्याल रखिएगा, फिर किस दिन मज़ीद जो है आपके साथ जज्बात का इज़हार किया जाएगा। बहुत ज़्यादा ख्याल रखें अपना, और जितने भी लोग हमें बर्दाश्त करें उनका शुक्रिया। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।